वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सके। प्लीज सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ अपने चैनल लर्न एंड अर्न विद अजर पे। दोस्तों, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि नौजवान प्रोग्राम जो स्कीम है उसके हवाले से वीडियो बनाएं कि उस पर अप्लाई कैसे करना है, उनकी सेकेंड फेज जो है वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के पूरी जो तफसील है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों के पूरे कंसेप्ट जो हैं सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्योंकि कोई भी स्कीम हो उसके लिए मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास ना हो। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया। सर्च करने के बाद इसकी जो सेकंड स्कीम है फेज है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो उस पर अप्लाई हो चुका है नौजवान प्रोग्राम स्कीम पे, जिसमें 50,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक कर्जे नौजवानों को दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो पहले फेज वन स्कीम थी उसमें 50,000 से लेकर 50 लाख तक कर्जे दिए जा रहे थे, और इसमें 50,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक कर्जे दिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं के अपने कारोबार की नुयत से उन लोगों को कर्जे मिलते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसका जो तरीका है अप्लाई करने का वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसको इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है, वेबसाइट से करना है या ऐप डाउनलोड करनी है, तो ये सारा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों ने मैं इस जो लिंक है इसके अप्लाई करने का तरीके का जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोगों ने लिंक उठा लेना है। कुछ दोस्तों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन का नहीं पता होता, तो उनको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। आपने सबसे पहले यूट्यूब में जाना है या मेरे लिंक पर क्लिक करना है, वीडियो ओपन हो जाएगी। वीडियो ओपन जब हो जाती है तो जो उसका टाइटल होता है वीडियो का, इधर देख लेते हैं, वीडियो को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया है फेज टू का। तो इसी तरह मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोगों ने लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने से आपने फौरन इस लिंक पे नहीं चले जाना, डिस्क्रिप्शन पे टाइटल पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में नहीं चले जाना, लिंक पे क्लिक नहीं करना। उससे पहले आप लोगों ने पूरा तरीका समझ लेना है कि इस पे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई करते हुए कोई भी गलती हो गई तो फिर आप लोगों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को पूरा तरीका अप्लाई करने का बता देता हूं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो। जी दोस्तों, जैसा कि आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई कुछ टैब ओपन होगा, इसको क्लोज कर देना है टर्म एंड कंडीशन पढ़ के। तो ये नौजवान प्रोग्राम स्कीम आ गई है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। इसमें चार स्कीमें दी गई हैं, आप लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ पे बटन दिया गया है रजिस्ट्रेशन नाउ का, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद
आप लोगों के पास इसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने से पहले इसकी कोई डिस्क्लेमर है वो आप लोगों ने रीड कर लेना है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए जमा कराई गई तमाम तफसीलात सिर्फ सर्वे के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी, जिससे आप लोगों की जरूरियात और हासिल करदा कर्ज की मदद से जो कारोबार वो शुरू करना चाहते हैं के बारे में मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसकी बुनियाद पर कर्ज की मंजूरी या मुस्तरदी का फैसला किया जाएगा। ये फॉर्म कर्ज की हतमी मंजूरी या मुस्तरदी की जमानत नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं इसके बाद आपका घर में सर्वे किया जाएगा और उसके मुताबिक ही इस पर अमल किया जाएगा या इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसको आप लोगों ने पढ़ने के बाद क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम है, आपने अपना नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद आप लोगों ने अपना कौमी आईडी कार्ड शिनाख्ती कार्ड लिख देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ये जो दो निशान दिए गए हैं कर्सर का निशान शो कर रहा है इस पर क्लिक करना है तो ये जो ईयर है इनक्रीज हो जाएगा। इसकी तरफ आप क्लिक करते जाएंगे तो ईयर कम हो जाएगा। ऐसे ऐसा ऐसा क्लिक करके आप लोगों ने ये आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है ईयर। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ से खुद भी लिख सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है 0108, फर्स्ट में आपने डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर अपना ईयर लिख देना है। तो इस तरह आपने इसको फिल कर लेना है और उसके बाद जेंस लिखनी है, जेंडर लिखकर मेल फीमेल कोई भी ट्रांसजेंडर लिख सकते हैं। उसके बाद मजदूरी अगर हो तो मजदूरी लिख लेनी है, अगर कोई नहीं है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे कोई नहीं नील पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तकनीकी काबिलियत आपके पास कौन सी है, वोकेशनल सर्टिफिकेट है, टेक्निकल डिप्लोमा है, जैसे आप लोगों के पास डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रिशियन का मैकेनिकल का, तो अगर आप लोगों ने FSC के मेट्रिक के बाद कोई डिप्लोमा किया हुआ है जैसे DIA का होता है तो उस तरह आप DAE का जो डिप्लोमा होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे वो कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल या पैदाइश का सूबा जो है वह आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद वालदैन का पेशा कि आपका वालिद क्या करता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर दें। इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सारे पेशे दिए गए हैं तो आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ से कोई भी नहीं मिलता तो अदर पे क्लिक कर देना है तो इस तरह ये फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद आपके रिहायशी इलाके की किस्म शहरी हैं या रूरल हैं, देहाती हैं, वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने सजेशन देनी है, कामयाब जवान प्रोग्राम की बेहतरी के लिए आरा, अपनी आरा का यहाँ पे लिख देनी है। आपने कोई भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इट इज गुड स्कीम फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आप ये लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ पे आप देख रहे हैं आप क्या करते हैं इसके बारे में आप लिख देना है, स्टूडेंट हैं जो भी है। तो ये लिखने के बाद यहाँ पे आ जाता है तालिबे इल्म मुलाजिम, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आप मुस्तकबिल के लिए क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है। एजुकेशन जारी रखनी है, रोजगार है,
या कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, मशवरा मतलब काउंसलिंग या मेंटरशिप बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे है तफसील बतानी है अपने जो कारोबार है उसका, नाम लिख देना है कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, डेयरी फार्म बनाना है या बिजनेस चलाना है, शॉप बनानी है, इलेक्ट्रिशियन शॉप है, मैकेनिकल वर्कशॉप है, जो भी आपने कारोबार करना है उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद आपकी सामाजिक दिलचस्पियाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस या आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल, यहाँ पे जो भी है आप प्रोफेशनल यहाँ पे लिख सकते हैं। हेल्थ सपोर्ट्स, किस में आप दिलचस्पी रखते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग मेंटरिंग मशवरा देने के बारे में आपकी दिलचस्पी है, ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इसमें रखते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो पहले दो ऑप्शन है इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आप लोगों ने सेव कर देना है, सेव करने के बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप लोगों ने इंतज़ार करना है, आप लोगों के पास उनकी कोई कॉल या मैसेज वगैरह आएगा, कॉल आने के बाद आप लोगों के पास उनका एक नुमाइंदा आएगा, आपके पास सर्वे करने आएगा। सर्वे करने के बाद ही इसका आत्मी फैसला किया जाएगा क्या आया कि ये यूथ प्रोग्राम या कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो स्कीम है इसमें आप शामिल हुए हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन का पता चल गया होगा और अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आई या कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो की कमेंट्स में आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरे तफसीलात के साथ आप लोगों की कमेंट्स का जवाब देने का पाबंद रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।